Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome back to my YouTube channel, Spoken English with Neha. Today we have a topic of past indefinite tense. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अच्छे से समझ में आए. साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि आपको 10-15 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और साथ ही साथ उसको बोलने की कोशिश करनी है. अगर आपने सेंटेंसेस बनाए हैं और उनको बोलने की कोशिश की है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको करना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा सिमिलर होता है. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आता हो तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा डू और डस था. सिंगुलर के साथ डस का प्रयोग करते थे और डू के और प्लूरल के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते थे. मेन वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे. ठीक है, सिंगुलर के साथ हम वर्ब में यस एस का प्रयोग करते थे और प्लूरल के साथ वर्ब में हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे. ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिकग्निशन क्या होती है? सेम हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे या फिर या आ ई ए आए तो वह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा है अलग है कि आपको ता था, ती थी, ते थे तो आए गए, साथ ही साथ यदि वाक्य के अंत में या आ ई ये आए तो भी वह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है. ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं. पहले हम इसको लेकर के चलते हैं, ता था, ती थी, ते थे. जैसे कि मैं पढ़ाती थी, आप लोग पढ़ते थे, बच्चे रोते थे, हम सब लोग अंग्रेजी बोलते थे. ठीक है, वह दादी माँ कहानी सुनाती थी. सारे वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? ता था, ती थी, ते थे आ रहा है. ठीक है, सो यदि ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो वह वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे. आगे अब इसको लेते हैं, या आ ई ये. यदि वाक्य के अंत में ऐसा आए कि वह चला गया, दादी माँ ने कहानी सुनाई, आपने मुझसे झूठ बोला, क्या उसने खाना खाया, हम सब लोग दिल्ली चले गए, दिस काइंड ऑफ. इन सारे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है? या तो आ रहा है, या तो ई आ रहा है, या तो या आ रहा है, या फिर ए आ रहा है. ठीक है, तो यदि किसी वाक्य के अंत में पहचान हमारा क्या हो जाएगा? यदि किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, साथ ही साथ या आ ई ये आए तो वह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड. ठीक है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो भी हम डिड का ही प्रयोग करेंगे. ठीक है, मेन वर्ब मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया होता है, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया. मुख्य क्रिया हमारी सेकंड फॉर्म में होगी. मैंने कल भी बताया था, गॉन. ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गॉन का प्रयोग नहीं करेंगे. हम लोग इसको लेकर के चलेंगे और साथ ही साथ इसको लेकर के चलेंगे. कब गो का प्रयोग करना है, कब वेन का प्रयोग करना है आगे मैं बताऊंगी. ठीक है, फिलहाल इतना जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म में होता है. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो गई? हमारी रिकग्निशन, हमारा हेल्पिंग वर्ब और हमारा मेन वर्ब. सेम हमारा स्ट्रक्चर जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर बताया था, सेम हमारा स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी सेम होता है, बट हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाता है. बस
टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे सब इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, बस अंतर यही होगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य होता है। ठीक है, साधारण वाक्य अगर हमारा होगा तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है, सब्जेक्ट की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर के बाद सीधे एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखते हैं, वह अपने काम के लिए चला गया। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि जो लास्ट में गया लगा हुआ है इसका मतलब है, लास्ट में यह आया हुआ है इसका मतलब है, इससे यह पता चलता है कि यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें नहीं लगा हुआ है, साथ ही ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड लगा है, यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से बनेगा। ठीक है, बनाते हैं इससे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह मतलब ही। जाना का क्या होता है, गो। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। ठीक है, हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ही वेंट अवे। चले जाने का होता है वेंट अवे, ही वेंट अवे। फॉर हिज वर्क, वह अपने काम के लिए चला गया। ठीक है, किसके लिए चला गया, वह अपने काम के लिए चला गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस यदि हमारे वाक्य के बीच में नहीं आता है तो वह वाक्य हमारा नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जब हम डिड का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज़ करेंगे, ना ही निगेटिव में, ना ही इंट्रोगेटिव में। ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बनाते हैं, रीना तुम्हारी बात नहीं सुनती है। रीना हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीना डिड नॉट, सुनने का क्या होता है, लिसन, लिसन। रीना डिड नॉट लिसन योर, आप फैक्ट भी लिख सकते हैं और आप टॉक भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, रीना डिड नॉट लिसन योर फैक्ट और योर टॉक, दोनों हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य में आता है, और उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, सो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डिड हमने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा। अगर नॉट है वाक्य में तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, बनाते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा, कहा मतलब आ आया हुआ है, आ आया है, आ का साउंड कर रहा है। सो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, डिड आई, कहने का क्या होता है, से। डिड आई से समथिंग रॉन्ग, डिड आई से समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कहा। आगे बढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। मैंने बताया था कि जब भी किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना आता है तो वह हमारा डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है, और उसका अनुवाद हम, जो भी क्वेश्चन वर्ड है हमारा उसका अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, सो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड, क्योंकि ये भी हमारा इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर है, तो इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। सो डिड, सब्जेक्ट,
If there is a not in the sentence, then we will put not after subject, not verb's first form, object, other word and question mark. Clear है? देखते हैं. उसने तुमसे झूठ कब बोला? कैसे पहचानेंगे? बोला. लास्ट में आ का साउंड कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. कब, यह डबल ट्रिकेटिव में आता है. कब का क्या होता है? वेन. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे. वेन डिड ही टेल अ लाई टू यू. ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. When did he lie to you? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको When did he tell a lie to you? दोनों सेंटेंसेस हमारे सही होंगे. ठीक है, सो ये हमारा रहा पास्ट इनडेफिनिट टेंस. सो अब आपको कुछ सेंटेंसेस अपने से अपनी कॉपी में बनाने हैं, साथ ही साथ उसको बोलने की भी कोशिश करनी है. पास्ट इनडेफिनिट टेंस हमारा ख़त्म होता है, उसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. ठीक है, सबसे पहले हम इनडेफिनिट ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस पे आएंगे. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा. और जब तक आप खुद से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, जब तक आप खुद से सेंटेंसेस कंडक्ट करने के बाद नहीं बोलेंगे, तब तक आपको सेंटेंसेस बनाने में और बोलने में दिक्कत आएगी. ठीक है, सो घर पे प्लीज़ 10-15 सेंटेंसेस कम से कम आपको बनाने ही हैं, और बनाने के बाद आपको बोलना ही है. ठीक है, ये आप अपना नियम बना लीजिए. आगे बढ़ते हैं. मैंने बोला था कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ वोकैब्स आपको दे दिया करूँगी, ताकि आप लोग लर्न कर सकेंगे. सो कुछ वोकैब्स मैंने दिए हैं. पहला है ब्लॉट, कलंक. अभी रिसेंटली ही मूवी आई थी कलंक, आप लोगों को याद होगी. सो कलंक का मतलब होता है ब्लॉट. नम, नम मतलब होता है सुन्न. जैसे बोलते हैं ना, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए हैं, माई हैंड्स गॉट नम, मतलब कि सुन्न होना, उसका मतलब होता है नम. इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित करना. कर्स मतलब अभिशाप. कंपेल, कंपेल मतलब मजबूर. ठीक है, सो ये हमारे कुछ वोकैब्स थे. आने वाली वीडियोस में मैं आपको टेंसेस के साथ साथ आपको डायलॉग्स भी बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ टेंस पढ़ करके, सिर्फ ग्रामर पढ़ करके आपको अंग्रेज़ी बोलने नहीं आएगा, आपको डायलॉग्स भी करने होंगे. डायलॉग्स का मतलब है संवाद, जो हम लोग बातचीत करते हैं. ठीक है, सो बातचीत को, कन्वर्सेशन जो हमारी होती है, अगर आप उसको डायलॉग्स में कन्वर्ट करके सेंटेंसेस बनाते हैं और उसके बाद बोलते हैं, तो वो आपको बोलने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है. ठीक है, तो मैं फ्यूचर इनडेफिनिट ख़त्म करने के बाद आपको डायलॉग बताऊंगी, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. ठीक है, सो आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.